दो तीन दिन में कुछ बहुत से भाई लोगों ने पूछा है कि सर लॉन्च के इसके अंदर से की कोडिंग होता है क्या, मेरे पास लॉन्च का है लेकिन उससे नहीं हो रहा है, तो होगा कि नहीं होगा, क्रैक वर्जन से होता है कि नहीं, ओरिजिनल से होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो ऐसा है कि क्रैक वर्जन से भी हो जाता है कुछ गाड़ियों का, ओरिजिनल से तो होता ही है, ठीक है, कोई भी क्रैक वर्जन उससे तो नहीं होता, बट कुछ जो क्रैक वर्जन है जो अच्छी तरीके से जो क्रैक किया हुआ रहता है उससे हो जाता है, ठीक है। और जो ओरिजिनल है तो उससे तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल इसके अंदर से तो होगा, कोई भी गाड़ी का की कोडिंग है, मारुति में जो भी गाड़ी है, वैगनार, अल्टो, स्विफ्ट डिज़ायर, एर्टिगा वगैरह का तो हो ही जाता है ओरिजिनल में, ठीक है। तो इसके लिए जो वीडियो है ये वीडियो मेरी नहीं है, ठीक है, किसी ने मुझे ये वीडियो सेंड किया है, थोड़ी सी वीडियो मेरी आधी है, बाकी किसी दूसरे की है, इसको मैंने एडिट करके आप मतलब इसमें अपलोड कर दिया है, इसमें पूरा क्लियर बता दिया है कि उससे हो जाता है ओरिजिनल, इसके अंदर से भी होता है इससे भी होता है, जैसा कि ये देख सकते हो ये क्रैक वर्जन है, इससे भी होगा इसमें, ठीक है, इसमें भी दे रहा है, इससे आप पिन भी निकाल सकते हो, कैलकुलेट का जो पिन आता है इसका, ठीक है, वो भी निकाल सकते हो। एक आध बार ऐसा हुआ है कि नहीं निकला, मैंने दो तीन बार ट्राई किया निकल जाता, बट सम टाइम कुछ ऐसा टाइम हुआ कि नहीं निकला बट निकलता है, ठीक है। इमोबिलाइजर का जो पिन है इसमें देख, पिन कैलकुलेटर का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें निकल जाता है इसका, ठीक है, उसके बाद आप डाल सकते हैं इसमें। और जो दूसरी बात है, कभी भी लेना है तो ओरिजिनल, मेरे हिसाब से ओरिजिनल इसके अंदर बेटर होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर आदमी 30-35 हज़ार का क्रैक वर्जन लेता है 40 हज़ार में, तो इससे बेटर है कि 20-30 हज़ार का एक ओरिजिनल ले लो, वो बेहतर रहता है, ठीक है। अभी एक गाड़ी है अल्टो, उसमें आपको ये वीडियो आ रहा है, उसमें आपको दिखाया है कैसे करते कैसे नहीं, ठीक है, कैसे की कोडिंग करना है, ये जो गाड़ी देख रहे हो अभी अल्टो है, ठीक है, जैसा कि देख सकते हो इसकी इमोबिलाइजर की लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, इससे इसका की कोडिंग करके दिखते हैं, जैसे नया एसीएम रिप्लेस किया या ट्रांसपॉन्डर मिशिंग है। सबसे पहले अपने को रेड फोल्ड कोड में जाना है कि मतलब इसमें क्या फोल्ड है, उसके हिसाब से ये काम होता है, ठीक है। अब जिसमें इसमें देखो क्या दिखा रहा है, अपने को न्यू एसीएम को करना है, ठीक है, तो इससे कर सकते हो आप। और वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है उसके लिए भी सॉरी। और ये जो पिन रहता है सबका अलग अलग रहता है, हर गाड़ी का थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये 43 का ये जो पिन रहता है थोड़ा अलग अलग आता है, ठीक है, बाकी ये तो सेम है, जो मॉडल अपने से पूछता है वो मॉडल के हिसाब से डालना है, और एंड में वो डाल देना है कि मतलब कौन सा 2006, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो आप देख वीडियो में देख के कर सकते हो। इससे बहुत लोग पूछ ले भाई इस पर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही है, ऐसा अगर कोई आती है तो मैं इससे बेटर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बट अभी ये वीडियो किसी ने सेंड किया था, मेरे पास पड़ा था दो तीन दिन से, तो सोचा मैं इस पर कुछ ऐड करते हुए करती हूँ, ठीक है। तो अभी जैसा कि देख सकते हो इसकी लाइट चली गई है, अभी लाइट ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, यानी इसका काम हो गया, तो लाइट चली गई जैसा कि देख सकते हैं आप, और ये काम हो गया है।